फ्रेंड्स बात करते हैं एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन नंबर 7। प्रीवियस वीडियो में आपसे बात किए थे एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन 1 to 6। नेक्स्ट वीडियो में आपसे है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट परसेंटेज 25 ऑफ 60 है। तो आप 25 ऑफ 60 लिखते हैं मल्टीप्लाई 100 से, क्योंकि आप परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 25 अपॉन 60 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 6, यहाँ बचेगा 10, यहाँ 25, मीन्स 25 by 6 multiply 10। ठीक है, अब क्या करते हैं इसे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 6 और 2 5 10। जब भी आप डिवाइड करते हैं तो बहुत सेम नंबर से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ आपका कितना हो जाएगा 25 multiply 5 upon 3। ठीक है, अब क्या करते हैं 25 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 या 25, 5 2 10 2 12, 125 अपान कितना है 3 है, तो 3 डिवाइड करते हैं, 3 4 12 हो गया, और 3 1 3, 5 पर से 3 निकालेंगे 2 बचेगा, ठीक 41 whole 2 upon 3%। क्वेश्चन आपका सेकंड है, थर्ड बताते हैं 5 paise of 5 rupees, मीन्स 5 paise आपका पैसा है ये, और ये आपका रुपए में, तो ए 1 rupee इक्वल टू कितना होता है 100 paise होता है, तो 5 rupees इक्वल टू हो जाएगा 500 paise हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 500 multiplied of 100, क्योंकि 100 से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं, हमें परसेंट निकालना है, 0 से 0 double 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1%, कितना आ जाएगा 1% आ जाएगा। इट्स ओके, क्वेश्चन आप अब बताते हैं क्वेश्चन 8, फाइंड द नंबर हुज, क्वेश्चन 8 आपका है फाइंड द नंबर हुज, आपको नंबर इसमें ढूंढना है कि नंबर कितना आएगा, आपका क्वेश्चन है 8, फाइंड द नंबर हुज, क्वेश्चन आपका फर्स्ट है 14% is 28, 14% is 28, कितने का 40%, कितने का 14% 28 आएगा, मीन्स 14 लेट नंबर एक्स मान लेते हैं, लेट नंबर क्या मान लेते हैं, तो 14% of x = 28, तो 14 upon 100 multiplied x = 28, 14 1 14 14 2 28, x upon 100 = 12, यह डिवाइड है लेफ्ट टू राइट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स x = 2 multiply 100 = 200, x कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 8 का आपका सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन 8 का सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन 8 का सेकेंड पार्ट है 16 whole 2 by 3% is 3, तो 63 या 48 में 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 50 upon 3% of x मान लेते हैं, क्योंकि इससे पहले आपने माना था लेट नंबर इज x, तो आपका ये नंबर और नंबर क्या है आपका x है, तो x क्या क्या करते हैं 50 upon 3% of x = 3 कर लेते हैं, मीन्स 50 upon 3 multiplied 100 into x = 3, 5 1 5 5 2 10, मीन्स 50 2 100 हो जाएगा आपका, 50 2 100 मीन x upon 3 2 6 = 3, ये डिवाइड है लेफ्ट साइड से राइट साइड, क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा,
एक्स इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड 6, 3 6 18, एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 18। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, व्हाट इज द लेंथ हुज 30% is 24 centimeter। तो लेंथ इज x सेंटीमीटर, मीन्स 30% ऑफ x इक्वल टू 24, 30/100 मल्टीप्लाइड x इक्वल टू 24, 0 से 0 कैंसिल हो जजाएगा, 3/10 x इक्वल टू 24, x इक्वल टू ये डिवाइड है, लेफ्ट टू राइट जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाइड 10/3 मल्टीप्लाइड है तो ये हो जाएगा डिवाइड, 3 1 3 3 8 24, 8 10 18, मीन्स एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 80। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, व्हाट इज द परसेंटेज हुज व्हेन, व्हाट इज द परसेंटेज हुज व्हेन, क्वेश्चन आपका 10, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज व्हेन, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका फर्स्ट पार्ट है 25 is increased to 45। आपका ये आपका इंक्रीज है, तो इंक्रीज में क्या करते हैं आपका कितना इंक्रीज है, 45 है। इट्स ओके, 45। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।